तो आज हम पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो आ गए आप, इस वीडियो के अंदर हम थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में जानेंगे। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का सही आंसर कोई नहीं दे सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दे दोगे तो लास्ट में वो क्वेश्चन है उसका आंसर नीचे कमेंट कर देना। एंड वो बहुत ही फनी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं थ्रस्ट से। तो जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही है एंड उस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट आगे मूव हो रहा है। तो यहाँ पर फोर्स एंड ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो फोर्स एंड सरफेस परपेंडिकुलर है। तो थ्रस्ट एक तरह की फोर्स हुई जो एक सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ा है तो ग्रेविटी की वजह से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी यानी फोर्स लगाएगी। एंड वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन के अंदर होगी। तो ये फोर्स एंड अर्थ का सरफेस परपेंडिकुलर है तो इसे भी हम कहेंगे थ्रस्ट। तो थ्रस्ट वो फोर्स होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। एंड क्योंकि ये एक फोर्स है तो इसकी ऐसा यूनिट होगी न्यूटन। तो अब बात करते हैं हम प्रेशर की। तो प्रेशर जो थ्रस्ट होता है उसका इफेक्ट होता है, यानी थ्रस्ट की वजह से क्या हुआ उसे हम प्रेशर कहेंगे। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का वेट इक्वल है। पहले वाले ऑब्जेक्ट का वेट है 50 न्यूटन एंड दूसरे का भी 50 न्यूटन है। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इनका जितना वेट है उतनी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जब हम पहले वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ पर रखेंगे तो वो ऐसा ही पड़ा रहेगा, पर जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो अब जो थ्रस्ट था वो तो इक्वल था 50-50 न्यूटन का, पर जो उसका इम्पैक्ट हुआ या इफेक्ट हुआ वो डिफरेंट है। तो इसे हम कहते हैं प्रेशर। तो इसे और समझते हैं। तो अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट्स को फिर से ऊपर उठा लें एंड इन दोनों को ध्यान से देखें, तो अगर हम पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो लोअर सरफेस है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये 50 न्यूटन जो फोर्स है वो इन 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा एंड हर एक पार्ट को मिलेगा 10-10 न्यूटन। यानी ये इतना सा पार्ट अर्थ के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। एंड अगर हम सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को देखें तो उसका लोअर पॉइंट तो इनसे भी छोटा है एंड उस पॉइंट के ऊपर ही पूरा का पूरा 50 न्यूटन का फोर्स है, तब ये ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर जाने का ही है। तो पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जो 50 न्यूटन की फोर्स थी वो एक एरिया के अंदर डिवाइड होगी एंड दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की भी फोर्स एक एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगी या डिवाइड होगी। एंड इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो थ्रस्ट का इफेक्ट है वो कम या ज़्यादा हो गया। पहले वाले केस के अंदर थ्रस्ट का इफेक्ट कम हो गया एंड दूसरे वाले केस के अंदर थ्रस्ट का इफेक्ट ज़्यादा हो गया। तो जो थ्रस्ट का इफेक्ट है वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो हमने थ्रस्ट लगाया है, फोर्स लगाई है, उसका क्या परिणाम होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो एरिया पर भी डिपेंड करेगा। एंड इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट को हम कहते हैं प्रेशर। तो अगर हम थ्रस्ट को एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें उस थ्रस्ट का इफेक्ट पता चल जाएगा। तो प्रेशर हो गया थ्रस्ट डिवाइडेड बाई एरिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एरिया एंड प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर कम होगा। तो अगर हम पहले केस के अंदर देखें तो ऑब्जेक्ट का एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तभी ऑब्जेक्ट ज़्यादा अंदर तक गया नहीं। एंड अगर हम दूसरे केस के अंदर देखें तो एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर ज़्यादा हुआ एंड ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर चला गया। तो प्रेशर हो गया इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, कि थ्रस्ट का क्या रिजल्ट होगा उसे हम प्रेशर कहते हैं। एंड प्रेशर का हमें एक फॉर्मूला मिल गया जो कि है थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसके फॉर्मूले के अंदर थ्रस्ट की एसआई यूनिट एंड एरिया की एसआई यूनिट रख देते हैं। तो थ्रस्ट यानी कि फोर्स एंड फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन एंड एरिया की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल। ब्लेस पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्रेशर के कंसेप्ट को दिया था, उनकी नाम की वजह से प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। पास्कल को हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम प्रेशर के बारे में तो समझ ही गए होगे। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ कि क्यों जो चाकू की एज होती है उसे बहुत शार्प बनाया जाता है,
बहुत शार्प यानी उसका एरिया बहुत कम कर दिया जाता है। तो इसका आंसर तुम्हें नीचे कमेंट करना है ताकि जिसे नहीं आता है वह उसे पढ़ सके। तो प्रेशर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक वुडन बॉक्स दिया हुआ है जिसका मास है 5 kg एंड उसकी डाइमेंशंस यानी साइड्स दी हुई है 50 cm इंटू 10 cm इंटू 10 cm। ये सारी साइड्स है जो कि मल्टीप्लीकेशन के साइन से अलग अलग करी हुई है। जैसे 50 cm होगी लेंथ, 10 cm ब्रेथ एंड अगली वाली 10 cm हाइट। तो ये है हमारा बॉक्स एंड इसकी लेंथ है 50 cm की, इसकी हाइट है 10 cm एंड ब्रेथ 10 cm। तो आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो एक टेबल पे रखा हुआ है एंड हमें प्रेशर बताना है। जब जो 15 x 10 cm वाली साइड है वो सरफेस से टच हो, 15 x 10 cm वाली साइड कब टच होगी? जब बॉक्स ऐसे पड़ा रहेगा तो हमें बताना कि ये बॉक्स टेबल के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा जब ऐसे पड़ा रहेगा। एक और केस है जब बॉक्स की जो 10 x 10 वाली साइड है वो ग्राउंड से टच है, यानी तब बॉक्स ऐसा पड़ा रहेगा। तो इन दोनों केसेस के अंदर एरिया अलग अलग है, तो हमें बताना है कि ये बॉक्स टेबल के ऊपर कितना प्रेशर लगाएगा दोनों केसेस के अंदर। तो प्रेशर निकालने के लिए हमें एरिया चाहिए एंड थ्रस्ट चाहिए। तो इस केस के अंदर थ्रस्ट इस ऑब्जेक्ट का ही वेट हो जाएगा। तो हमें दिया हुआ है इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 kg, तो हम वेट निकाल सकते हैं। वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू g, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 5 kg, एक्सेलरेशन को हम लेते हैं 10, तो वेट हो गया 50 N का एंड यही वेट थ्रस्ट है। तो थ्रस्ट हो गया 50 N का एंड इस बॉक्स की डाइमेंशंस दी हुई है। तो इन डाइमेंशंस की यूनिट है सेंटीमीटर, पर लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो हम सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो लेंथ है 50 cm, तो जब हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मीटर में मिल जाएगी। तो 50 / 100 जो कि होगा 0.5 m। वैसे ही ब्रेथ एंड हाइट भी 0.1 m एंड 0.1 m आ गई। तो दोनों केसेस के अंदर थ्रस्ट तो इक्वल रहेगा, पर दोनों केसेस के अंदर एरिया बदलेगा क्योंकि बॉक्स का जो सरफेस ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है वो दोनों केसेस के अंदर अलग है। तो पहले केस के अंदर जो 15 x 10 cm वाली साइड है वो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ है 0.5 m और ब्रेथ है 0.1 m, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.05 m², तो हमें मिल गया एरिया। एंड हमें पता है प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो थ्रस्ट है 50 N, एरिया हमें मिल गया 0.05 m². तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1000 N/m². ये पर मीटर स्क्वायर नीचे जो 0.05 m² है उसका है एंड न्यूटन 50 N वाला है। एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं पास्कल यानी PA। तो जब बॉक्स ऐसे पड़ा है तो ये टेबल के ऊपर 1000 pascal का प्रेशर लगा रहा है। एंड अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं, जब बॉक्स ऐसे पड़ा है तो इस केस के अंदर एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ दोनों 10 cm है, 10 cm यानी 0.1 m, तो एरिया आ जाएगा 0.1 × 0.1 जो कि होता है 0.01 m². प्रेशर होता है थ्रस्ट अपौन एरिया, तो थ्रस्ट है 50 N, एरिया 0.01 m², तो इसे कैलकुलेट करोगे तब तुम्हें मिलेगा 5000 pascal। तो जब बॉक्स ऐसे रखा हुआ है तब 5000 pascal का ये प्रेशर लगा रहा है ग्राउंड के ऊपर, एंड पहले केस के अंदर ये 1000 pascal का प्रेशर लगा रहा था, तो इतना डिफरेंस आ गया एरिया चेंज करने से। तो बात करते हैं हमारे क्रेजी क्वेश्चन की। तो ये है क्वेश्चन, तो ये चाचा पतियों के पहाड़ को देख के अपने एयर ब्लोअर से उसे उड़ाने आ जाते हैं। तो इन्होंने थोड़ा पहाड़ तो उड़ा दिया, अब आगे होगा क्या? ए ऑप्शन, ये सारी पत्तियों को उड़ा देंगे। बी ऑप्शन, ये सारी पत्तियां हरी हो जाएगी। या फिर सी ऑप्शन, ये अपना सर खुजाएंगे। तो सोचो अब आगे होगा क्या। तो जो पत्तियों को उड़ाने आए थे उन्हें बच्चे उड़ा देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।